गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने आपको क्लास 7 में चैप्टर 1 के बारे में बताया था कि न्यूट्रिशन इम्प्लांट में कैसे कैसे होता है। उसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन सारे टॉपिक जो होते हैं आपको क्लियर कर दिए थे, ठीक है। आपको कल जो प्रीवियस वीडियो में हमने कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर भी आपको समझा दिए थे अच्छी तरीके से, और आपको व्हाट्सअप भी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको एक बार अपने उसको व्हाट्सअप में देखिए उसको, और ध्यान से देखने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट करके आप उसको व्हाट्सअप भी कर दीजिए, चाहे आप इससे भी व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, प्लांट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था प्रीवियस पहले के चैप्टर में, और अभी जो है आपको चैप्टर 2 में आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी अब एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके, कैसे वर्क करते हैं, तो वो सब हमको देखना है इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में कैसे पोषण होता है। तो आपको जो है इसमें यू हैव लर्न दैट लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स आर कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन जो होता है कैसे बनाते हैं, अपना खुद भोजन बनाते हैं, और किसके द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा नहीं बनता है, और इसमें जो होता है एनिमल अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एनिमल जो होते हैं वो गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। यानी जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली खाते हैं प्लांट को, और कुछ जो होते हैं इनडायरेक्टली खाते हैं। डायरेक्टली मतलब होता है वो जो एनिमल प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं वो डायरेक्टली प्लांट हो गए, डायरेक्टली एनिमल होते हैं कहलाते हैं डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली का मतलब होता है जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं, जैसे लायन हो गया, लायन जो होता है हमारा जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं उसको इनडायरेक्टली कहते हैं, यानी अपना भोजन जो होता है वो इनडायरेक्टली करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो आपको हम उसमें कुछ बताए थे, और ये किस लिए खाते हैं, ये हमारा जो इसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल में इसमें कौन कौन से हमारा आते हैं, इसमें जो हमारा एनिमल में एनिमल्स आते हैं और ह्यूमंस आते हैं, ये दोनों हमारे आपको बताए थे हेटरोट्रॉप्स में आते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो और ये किस लिए भोजन खाते हैं, एनर्जी के लिए और अपना ओवर ग्रोइंग के लिए, अपने ग्रोथ के लिए खाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहे हैं न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। न्यूट्रिशंस आपको बताए थे पहले में भी कि न्यूट्रिशन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन जो करते हैं इनटेक फूड, फूड को लेते हैं, ठीक है, इनटेक फूड, फूड को लेते हैं न्यूट्रिशन, और जो होता है हमारा नेक्स्ट जो होता है यूटिलाइज करते हैं उसको, क्या करते हैं यूटिलाइज यानी उपयोग में लाते हैं, यूटिलाइज करते हैं जिससे हमारा भोजन जो होता है आसानी से पच जाए, ठीक है। तो हम जो है हमारा ये एनिमल न्यूट्रिशन होता है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, सबसे पहले क्या होती है न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और ये हमारा जो तरीका होता है भोजन का, वो एक तो पहला होता है फूड इनटेक करना, फूड को अंदर लेना, और दूसरा होता है यूटिलाइज करना बॉडी में, अपने बॉडी में जो होता है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, अच्छी तरीके से उसको उपयोग कर लेते हैं, इसलिए हम एनिमल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, ठीक है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आपको जो है आपको जो है क्लास 6 में आप पढ़े होंगे कि जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे कितने तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे पाए जाते हैं, और ये आप क्लास 6 में फूड कंपोनेंट ऑफ फूड में चैप्टर 2 में आप पढ़े हैं,
ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब आपको हम समझा रहे हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन मीन्स होता है पचना, भोजन का जो हम लोग जो भोजन खाते हैं फूड खाते हैं उसको कैसे पचाया जाता है, किस तरीके से पच जाए, वो जो हमारा उसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन आप समझिए कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे ये हो गए, ये हमारे क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, आइए किसमें कन्वर्ट होंगे, सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, तो सिंपल सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, ऐसे हो गया, ये टूट जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म में रहते हैं ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। आइए किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको बता दें पहले कि एंजाइम्स बाद में बताते हैं, आपको पहले ये बता दें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर कन्वर्टेड इनटू द या ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज इनटू फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन। डाइजेशन हम उसे कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सिंपल सब्सटेंसेज में टूट जाता है। डाइजेशन मीन्स होता क्या है, डाइजेशन मीन्स एक तरह से आसानी से आप समझिए ब्रेक डाउन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन, तोड़ना, किसको तोड़ते हैं, जटिल पदार्थ को साधारण पदार्थ में यानी नॉर्मल सब्सटेंसेज में, सिंपल सब्सटेंसेज में तोड़ते हैं, उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप मान लीजिए रोटी जो है आपने अपने मुंह में लिए तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है। अगर आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जो है आप रोटी को ही डायरेक्ट घोट जाइए तो क्या होगा, आपके अंदर जो होता है वो एंजाइम्स की सहायता से क्या होता है, डाइजेशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यानी आपको पूरी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो आपका रोटी जो है, तो क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में मोटा आ गया है। और इसमें जो होता है सिंपल सब्सटेंस में कि आप रोटी को अंदर लिया उसको कूचे अच्छे तरीके से, जो होता है टंग के सहायता से आप उसको दांत के सहायता से कूचे और कूचने के बाद उसको गेद यानी छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में करके आप उसको अंदर ले लिए तो अच्छी तरीके से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। आपको डाइजेशन समझ में आया होगा, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन कम्प्लेक्स द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज इन आवर फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन, ठीक है। आपको डाइजेशन समझ में आ गया। ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स जो होते हैं हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड से पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको हम आगे जो है ह्यूमन का जो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपको डाइजेशन समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट, अब अपना बुक ओपन कर लीजिएगा और बुक में जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। डिफरेंट वेज टू वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब हम किस तरह की तरीके से फूड को लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी वेरी इन डिफरेंट ऑर्गन, जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं वो किस तरीके से भोजन को बॉडी के अंदर लेते हैं वो बताया जाएगा इसमें। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स, बीज एंड हमिंग बर्ड्स, इनका काम क्या होता है, बीज मीन्स मधुमक्खी होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सक द नेक्टर्स, नेक्टर ऑफ फ्लावर,
ये बर्ड जो है मधुमक्खी जो होते हैं ये नेक्टर ऑफ फ्लावर, आपको बताए थे नेक्टर क्या होते हैं। नेक्टर जो होता है हमारा, नेक्टर जो होता है जो जूस इकट्ठा होता है फ्लावर के जूस, जो जूस होता है उसको हम लोग नेक्टर कहते हैं। यानी जब जो होता है ये जो बीज और हमिंग बर्ड्स होते हैं ये सक करते हैं उसके फ्लावर के जूस को, किसी प्लांट के फ्लावर पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उसको सक करते हैं उस जूस को, और जूस को लगाने के बाद उसमें क्या होता है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जाके वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर, इनका काम क्या होता है इसमें फ्लावर को सक करना, नेक्टर को सक करना जो प्लांट का होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, आपको बताया तो नहीं ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं ह्यूमंस। तो हेटरोट्रॉप्स कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं या दूसरे एनिमल के जो बच्चे होते हैं वो किस पे होते हैं, दूसरे पे यानी दूध पे निर्भर होते हैं। छोटे बच्चे जो किस पे होते हैं दूध पे निर्भर होते हैं, जिससे वो अपना दूध यानी वो दूसरों पे निर्भर हैं, तो इसलिए इन्फेंट्स ऑफ इसको कहते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, अब तीसरा एग्जाम्पल क्या बताया जा रहा है, तीसरा एग्जाम्पल है मदर मिल्स। मदर मिल्स बताया था ना आपको, ये जो एनिमल्स या बच्चे होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं, मदर मिल्स पे। ठीक है, ये इन जो है मदर मिल्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे सांप होते हैं जैसे स्नैक्स में हमारा जैसे हुआ पाइथन क्या करता है अपने प्रे को यानी अपने शिकारी को क्या करता है निगल लेता है यानी स्वॉलोइंग कर जाता है, स्वॉलो कर जाता है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से स्नैक्स भी होता है, जो पाइथन अजगर होते हैं वो अपने शिकारी को क्या करते हैं स्वॉलो कर जाते हैं, अंदर की तरफ ले लेते हैं, घोट जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स होते हैं जो इनको फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, हमारा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो अपना छोटे छोटे जो होते हैं टीनी फूड पार्टिकल्स जो होते हैं इकट्ठा करते हैं जो पानी में तैरता रहता है, फूड पार्टिकल्स अनफ्लोएट, जो फ्लोएट करता रहता है तैरता रहता है फूड पार्टिकल्स, उसको क्या करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या ये जो है हमारा इसमें एक टोटल बताया जा रहा है आपको, सबसे पहले बताया गया फोटोसिंथेसिस जो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं चैप्टर फर्स्ट में कि प्लांट कैसे अपना भोजन बनाता है, अब हमें यहाँ देखना है एनिमल अपना भोजन कैसे बनाता है, ठीक है। तो एनिमल आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स बताए थे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपने क्लास सिक्स में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन मिनरल फैट विटामिन्स ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आपको मेन आपको टॉपिक बताया डाइजेशन, डाइजेशन क्या होते हैं, डाइजेशन जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे जो होते हैं फूड में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको एग्जांपल भी बताए थे कि उसमें कैसे कैसे जो होता है इनमें जो अदर पाए जाते हैं एनिमल जो अपना भोजन बनाते हैं, जैसे बी होता है ह्यूमन बर्डिंग होता है, ये आपको नेक्टर या फ्लावर या प्लांट में जो होता है प्लांट में जो फ्लावर होता है उसको सक करते हैं, चूसते हैं, उसे जूस अपना निकालते हैं जो अपने एनर्जी के लिए। और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन मदर मिल्स जो छोटे बच्चे होते हैं वो माता का जो दूध पीते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। पाइथन जो अजगर होता है वो शिकारी होता है जो स्वॉलन कर जाता है निगल जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे फूड पार्टिकल्स को खाते हैं जो फ्लोएट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस चैप्टर में अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ाया। आपका एक्टिविटी आता है 2.1। अब आपका एक्टिविटी 2.1 में क्या बताया जा रहा है आपको, एक टेबल है 2.1 में क्या है, एक टेबल है जो आपको बनाना है, मैं आपको बना दे रहा हूँ वो टेबल।
एक्टिविटी 2.1, ठीक है। इसमें जो है एक टेबल है, 2.1 का टेबल है। कौन कौन सा टेबल है? पहला है नेम ऑफ एनिमल, आपको एनिमल का नाम लिखना है पहले। ठीक है, नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड, किस प्रकार का भोजन करते हैं वो, ठीक है, और मोड ऑफ फीडिंग, उसको खाने का तरीका क्या होता है, कैसे खाते हैं वो, चीविंग करते हैं कि स्क्रैपिंग करते हैं, उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या क्या होता है जानवरों को, ठीक है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे इस टेबल में। सबसे पहले नंबर वन पॉइंट है आपका स्नेल, इसको हम लोग घोंघा भी बोलते हैं। ये अपना फीडिंग जो होता है ये पानी में जब मैक्सिमम पाए जाते हैं, वाटर में या पॉन्ड्स में, इसका हम क्या खाते हैं, ये पत्तियां और इंसेक्ट खाते हैं, लीव्स एंड इंसेक्ट, ये मैक्सिमम इंसेक्ट ही खाते हैं, इंसेक्ट ही इनको मिलता है। और ये किस तरह का होता है, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो करके खाते हैं, ठीक है, स्क्रैप करके खाते हैं। हमारा दूसरा एनिमल्स है आंट, चींटी जिसको बोलते हैं आंट, ये फूड पार्टिकल्स को खाते हैं। इनका भोजन किस प्रकार का होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, और ये चीविंग करते हैं, चबाते हैं इसको। ये किस तरह का इनका मोड ऑफ फीडिंग है, चीविंग है, इसको चबाने का उनका मोड ऑफ फीडिंग है। अपने कॉपी में या बुक में इसको नोट, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बुक में केवल नेम ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं और आपको काइंड ऑफ फूड बताना है और मोड ऑफ फीडिंग बताना है, तो ये सब आपको फिल करना है, तो आप ये फिल कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है ईगल, ईगल जो होता है ये हमारा स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, किसको खाते हैं अपना भोजन, स्मॉल एनिमल को, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। और ये कैसे खाते हैं, कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग, कैप्चरिंग पकड़कर और स्वॉलोइंग निगलकर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है एनिमल्स का नाम लाइस, अरे हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड जो हमारा होता है नेक्टर ऑफ फ्लावर, किसको कहते हैं ये, इनका फूड जो होता है नेक्टर ऑफ फ्लावर पे होता है। आपको बताए थे कि नेक्टर क्या होता है, जो जूस, फ्लावर के जो जूस को सक करते हैं उसको हम लोग नेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्टर ऑफ फ्लावर होता है, इसका काम क्या होता है, इनका सकिंग करना, इसको फ्लावर के जूस को क्या करते हैं, सक करते हैं, इसलिए ये किसका मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, सक करना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है लाइस, लाइस जो होता है हमारा किस प्रकार का है ये फूड, ये ब्लड के रूप में होते हैं और ये भी सक करते हैं, ठीक है, ये भी सक करते हैं। नेक्स्ट मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो होते हैं मच्छर, वो क्या करते हैं, वो भी ब्लड को सक करते हैं, इनका भी कौन सा है, ब्लड को सक करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई,
बटरफ्लाई जो होते हैं ये किसको कहते हैं, नेक्टर ऑफ, नेक्टर ऑफ फ्लावरिंग। आइए क्या करेंगे, सक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है साइफनिंग करेंगे। ठीक है, और नंबर 8 है हमारा हाउस फ्लाई, ये भी क्या करेंगे, ये हमारा ऑलमोस्ट एवरीथिंग होते हैं, ये भी हमारा साइफनिंग करेंगे। तो ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया होगा कि नेम ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो किस प्रकार का भोजन खाते हैं और कैसे किस कैसे खाते हैं, उनका फीडिंग क्या होता है। तो ये हमारा आपको बता दिया स्नेल के बारे में, एंट के बारे में, ईगल और हमिंग बर्ड्स, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, ये सब आपको बता दिए कैसे कैसे है। और अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब आपको जो है कल हम स्टार फिश के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार फिश के बारे में बताएंगे, स्टार फिश क्या होता है और डाइजेशन, यू नो ह्यूमन का डाइजेशन पूरा बताएंगे कि डाइजेशन में कैसे भोजन को हम लोग खाते हैं माउथ से, और माउथ को और बक्कल कैविटी कहते हैं वो कैसे पचाते हैं, फिर उसको उसके बारे में जो होता है डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा आज बताइएगा कैसा लगा आपको, और आप अपने कॉपी में इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और आपको जो है फर्स्ट चैप्टर का कीवर्ड और एक्सरसाइज आपको हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप अपना उसको देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच।